फोर मंथ कंप्लीट होते ही मेरे यहाँ पर जो टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो गैपिंग पूरी तरह से फिल हो गई है, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी मेहनत का आपको कहते हैं ना एक मेडल अवार्ड दे दिया जाता है, तो ये वही अवार्ड है। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपको भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। एंड मेरे ब्रेसेस को हो गए हैं फोर मंथ कंप्लीट। फोर मंथ कंप्लीट होते ही मेरे यहाँ पर जो टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो गैपिंग पूरी तरह से फिल हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जी हाँ दोस्तों, चार मंथ में ही मेरे जो ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे टीथ में जितनी भी गैपिंग है ना, मतलब मेरे सभी टीथ में लगभग गैपिंग आ चुकी है, ये देखिए। और जो जहाँ से मेरे टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे, मतलब जो चार दांत मेरे निकाले गए थे ना, तो इस साइड के मेरे जो टीथ हैं वो पूरी तरह से जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए वो देखिए चिपक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मेरे टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे जहाँ मैं आपको दिखा रही, देखिए कोई भी गैपिंग आपको नहीं दिखेगी, इतनी सी भी गैपिंग नहीं रही है। तो फोर मंथ में ही मेरे जो गैपिंग जो टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे वो पूरी तरह से फिल हो गए हैं, एक साइड के फिल हो गए हैं, बट एक साइड के थोड़े बहुत बाकी हैं, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। हल्के से बाकी हैं और उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। मुझे इस साइड की तरफ खा हो गया था, तो मैं इस साइड से खा ही नहीं पा रही थी, लगभग मैंने वन मंथ तक इधर से कुछ नहीं खाया, इधर ही से मैं खा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा होगा कि या नहीं ये मैं श्योर नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसलिए मेरे इस साइड के ज़्यादा वर्क किए हैं, दांत जल्दी से मूवमेंट हो गए हैं एंड इस साइड के भी नहीं हुए हैं। और ऊपर की जो गैपिंग है ना वो बहुत ही हल्की फुल्की रह गई हो, वो भी इस साइड के तो लगभग चिपक ही चुके हैं, इस साइड के भी थोड़ा बहुत हैं, पता नहीं वो दिख रहे हैं कि नहीं, बट काफी तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे हैं कि मेरे चार दांत निकले थे। मतलब जब स्टार्टिंग में चार दांत डॉक्टर बोलते हैं कि निकलेंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग जब पहली बार जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो डर गए होंगे कि यार हमारे चार दांत निकाले जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके भी चार दांत निकाले जाएँ, मेरे निकाले गए, हो सकता है आपके ना निकाले जाएँ, बट हाँ अगर आपके चार दांत निकाले जाते हैं और आपके मन में मेरी तरह डाउट है कि ये चार जो गैपिंग है दांतों की जो निकल चुकी हैं अब वो फील होंगी कि नहीं, तो वो ऑफकोर्स फील हो जाती हैं, रिजल्ट आपके सामने है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि अभी फोर मंथ ही कम्प्लीट हुए हैं और इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया है। जब सारे दांत अंदर चले जाएंगे तब क्या कैसा फेस दिखेगा, उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है, बट अभी तो ये एक से डेढ़ साल का ट्रीटमेंट चलने वाला है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि एक से डेढ़ साल लग जाएंगे, बट औरों का मुझे नहीं पता, काफ़ी सारे लोग के दो साल भी लगते हैं, तीन साल भी लगते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है ना, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आपके ब्रैकेट बार बार टूटते रहते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट ना वन मंथ बैक चला जाता है। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि आपका ब्रैकेट ना टूटे। और ब्रैकेट क्या होता है, यही जो चिपकाए गए हैं ना आपके दांतों में, यही ब्रैकेट हैं, अगर ये टूटेंगे ना तो आपके जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी पैक चली जाती है। वन मंथ सोचिए, आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, हर चीज़ का आप ध्यान रख रहे हो, बस थोड़ी सी अगर आपने चूक कर दी और आपके ब्रैकेट टूट गए तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाता है। इसकी वजह से जो डेढ़ साल का ट्रीटमेंट होता है कई बार वो दो साल तक चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो डॉक्टर आपको मना किए, जैसे हार्ड चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं काटनी है और कुछ भी ऐसा कड़ा चीज़ जो आपके ब्रैकेट को तोड़ दे, जैसे कि हम लोग को फुलके वगैरह मना किया गया है, तो ये सब चीज़ें ना खाएं। हालांकि मन बहुत करता है बट हाँ नहीं खाना चाहिए। एंड इसके साथ दोस्तों आपको मैं ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि इस चैनल पे भी मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। वैसे तो मेरे फर्स्ट चैनल पे ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है, बट अभी मुझे सेकेंड टाइम मिल गया है, तो उसकी खुशी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मैं लेकर अपना सिल्वर प्ले बटन बैठी हूँ, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। हालांकि दो दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। आज मैंने ड्रैपिंग ट्यूटोरियल शूट किया तो मैंने सोचा यार टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो इसी पे शूट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन और यहाँ पर मैंने कैंची ले रखी है क्योंकि मुझे इसे अभी खोलना है, मैंने इसे खोला तक नहीं है, बिल्कुल ऐसे देखिए अभी रैप होकर मुझे मिला हुआ है। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, ये YouTube की तरफ से हमें दिया जाता है जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। और इस चैनल पे आपने देख ही लिया है कि मेरे 1 लाख कंप्लीट हो गए हैं, हालांकि मेरे फर्स्ट चैनल पे जल्दी मुझे वेट है कि कब मेरा गोल्डन प्ले बटन मिलेगा, वहाँ भी 2 लाख कम है। तो जाइए यार मेरे सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो मैंने ड्राइविंग ट्यूटोरियल शूट किया ना उस चैनल पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगी, यहाँ तो मैं शॉर्ट्स वीडियो शेयर करती हूँ बट लॉन्ग वीडियो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके उसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप उस चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिए।
कीजिएगा। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ जिसकी वजह से आप अपनी साड़ी को काफ़ी ईजीली से ड्रेप कर सकती हैं। अभी हम बातें नहीं करते हैं नहीं तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं इसको जल्दी से कट करती हूँ। मैंने अपने 4 मंथ की ब्रेसेस जर्नी में इसको भी ऐड कर दिया, तो क्योंकि ये खुशी की बात है ना, आप भी थोड़े से खुश हो लो कि हाँ आपकी दी को अवार्ड मिल गया है सिल्वर प्ले बटन। तो किस किस को अच्छा लगा मुझे मिला कमेंट करके, मुझे क्या ये आप लोग क्या ही दिया हुआ गिफ्ट है जो यूट्यूब की तरफ से मुझे दिया गया। आई डोंट नो ये किधर से पैक है, या मिल गया मुझे यहाँ से ये पैक है। तो मैं खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही हूँ ना, नहीं तो मैं आराम से टेबल पर बैठ के खोलती, मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरा सिल्वर प्ले बटन ना गिर जाए। और इस फेस के साथ मैं अपना सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स कर रही हूँ। ओ माय गॉड, पर क्या कर सकते हैं, खोलना ही पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा। तो तैयार है आप लोग, देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर एक रैपर है और यहाँ पर कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर जस्ट, ये देखिए इन लोग की तरफ से थैंक यू का एक कार्ड दिया गया है यहाँ पर, जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की वजह से हम लोग को मिला हुआ है। इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है और ये काफ़ी दूर से आता है। सो आप सबको पता है ये मेरे इस चैनल का नाम है मंजू ड्रीम, जो कि मेरा ही नाम है। और ड्रीम मैंने क्यों रखा है, ये तो ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन। एंड इसके अंदर अभी मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए दोस्तों ये मेरा बॉक्स में गिर गया। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं, मैं इसे हटा ही देती हूँ कहीं मेरा इसके चक्कर में सिल्वर प्ले बटन ना छूट जाए हाथ से। तो ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन एंड इसके साथ है ये कुछ होगा ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे अभी ये फर्स्ट वाला अवार्ड मिला है, ये है गोल्डन प्ले बटन एंड इसके बाद आता है डायमंड प्ले बटन। तो दोस्तों ये है सिल्वर प्ले बटन और ये है गोल्डन प्ले बटन, जो कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे मिल जाएगा। आप लोग का इसी तरह से प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो, और एक ना एक दिन मैं ये गोल्डन डायमंड प्ले बटन भी पा जाऊँगी। ऑफकोर्स ज़रूर मिलेगा, है ना, मिलेगा ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपकी मेहनत का आपको कहते हैं ना एक मेडल अवार्ड दे दिया जाता है। तो ये वही अवार्ड है। और ये किस तरह का है, चलिए इसको मैं आपको रैपर से बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। तो गाइस ये इस तरह का है, तो देखिए इसके बीच में इस तरह का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर मेरा चैनल का नाम मेंशन किया है मंजू ड्रीम और इस पर फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये है मेरा सिल्वर प्ले बटन, बैक साइड में यहाँ पर जो हुक दी गई है दीवार में इसे हैंग करने के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं और उसके लिए हमें अवार्ड दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मुझे ये अवार्ड मिला है और आगे इस चैनल पे भी हो सकता है मुझे गोल्डन प्ले बटन मिले, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे मिले तो। और फर्स्ट चैनल पे भी उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। और आपको मेरे ब्रेसेस के बारे में कुछ भी अपडेट जाननी है या फिर आपको ब्रेसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। एंड अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं यूट्यूब के ज़रिए वीडियो बना के, आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप सोच रही हैं यार मैं कैसे बनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले भी ये बात आप लोग के साथ शेयर की थी कि अगर आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करोगे, आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपको भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। आप किस तरह से यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगी, कैसे वीडियो को एडिट करेंगी, कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और इसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है, आप सोच सकते हो सिर्फ एक मोबाइल, वो भी मेरे पास कितने का मोबाइल था, 6000 का, 6000 के मेरे पास जो फ़ोन था उसी के थ्रू मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसी यूट्यूब की इनकम से ही मैंने ये वाला न्यू फ़ोन ख़रीदा है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के इनकम से हम अपने सारे जो इक्विपमेंट थे धीरे धीरे करके, ये माइक जो आप देख रहे हैं, पहले मेरे वीडियो में माइक भी नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते थे दी आप कितना स्लो बोलती है, थोड़ा तेज़ बोलो। तो ऐसे में जब मैं तेज़ बोलने की कोशिश करती ना, तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि आप पूछो ही मत। मैं जब भी तेज़ बोलने की कोशिश करती,
बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ मैं, जितना आप लोग मुझे कहोगे ना जो लाउड बोलने को, तो मैं फास्ट बोलती हूँ ऐसे। मतलब मुझे समझ में आना नहीं आता था कि मैं तेज़ बोलने के चक्कर में कब फास्ट बोलती हूँ। आज भी मैं इस पर कंट्रोल करती हूँ कि मैं स्लो बोलूँ। तो अगर आप वीडियो बना रही हो, आपको बहुत ही आराम से बताना है ताकि लोगों को आपकी बातें समझ में आए। सो दोस्तों, ये था मेरा 4 मंथ का ब्रेसेज जर्नी अपडेट, जिसके साथ मैंने अपने सिल्वर प्ले बटन की खुशी भी शेयर कर दी, जो कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही मिला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।